बाल विवाह मुक्त भारत का सपना साकार होता दिखाई दे रहा है। बाल विवाह के मामलों में तेजी से कमी आई है। हरियाणा के सबसे पिछड़े नूह जिले में शक्ति वाहिनी के द्वारा तकरीबन दर्जन भर बाल विवाह रुकवाए गए हैं। आगे पूरी तरह से बाल विवाह रोकने के लिए शक्ति वाहिनी लगातार प्रशासन के अधिकारियों के साथ मिलकर कार्रवाई करने से लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए जुटी रहती है। जिन अधिकारियों, कर्मचारियों और समाज सेवियों ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान में सहयोग किया है, उन सभी को शक्ति वाहिनी के द्वारा सोमवार को लघु सचिवालय नूह की तीसरी मंजिल पर स्थित पुलिस विभाग के कॉन्फ्रेंस हॉल में हुई बैठक के बाद प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। शक्ति वाहिनी से जुड़े कोऑर्डिनेटर सुरेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार के कई विभाग उनके साथ इस अभियान को सफल बनाने में लगे हुए हैं, जिनमें पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग इत्यादि शामिल है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह एक कानूनी अपराध है और बाल विवाह होने से महिलाएं कई प्रकार की बीमारियों से जूझने लगती है। उन महिलाओं का शारीरिक और मानसिक रूप से भी विकास नहीं हो पाता। अगर बाल विवाह करवाने वाले या उसमें किसी तरह सहयोग करने वाले व्यक्ति की भूमिका पाई जाती है तो उसे 2 साल तक की जेल और 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, जिनमें अभिभावक, रिश्तेदार, बिचौलिया और धर्मगुरु के साथ साथ आयोजन में शामिल नाई, रसोईया, टेंट और बैंड इत्यादि का काम करने वाले लोग भी शामिल हो सकते हैं। कुल मिलाकर हरियाणा के नूह जिले में बाल विवाह को पूरी तरह से रोककर बाल विवाह मुक्त भारत बनाने के लिए टीम मजबूती से जुटी हुई है। और क्या कुछ कहते हैं शक्ति वाहिनी कोऑर्डिनेटर सुरेंद्र सिंह, आइए सुनते हैं। आज शक्ति वाहिनी एमडीडी ऑफ इंडिया की तरफ से बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को लेकर के जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है जिले भर में, तो उसमें हम लोगों ने गांव-गांव में स्कूल, आंगनवाड़ी, पंचायत, कम्युनिटी लेवल पे और ये जागरूकता अभियान जो चलाया हुआ था उसको लेकर के जिन गांव में पिछले साल हमने अक्टूबर में प्रोग्राम किया था उसको लेकर के जिन गांव में अच्छे से लोगों ने रिस्पोंड किया हमारी टीम के साथ में, और जो गांव बहुत अच्छे से बाल विवाह को रोकने के लिए काम कर रहे हैं, उन गांव में से कुछ लोगों को हमने, सबको तो नहीं ले पाए, कुछ लोगों को लेकर के हम लोगों ने सम्मानित किया है, जिसमें सभी पुलिस थाने, जिले के सभी पुलिस थाने हैं और हमारे जो जितने भी जिले के अधिकारी हैं वो हैं, महिला जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं, सरपंच हैं और स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो हैं, तो इन सबको आज हम लोगों ने छोटा सा एक सम्मान समारोह किया था, उसमें उनको सम्मानित किया है और इसको लेकर के और आगे ये पूरे जिले में बाल विवाह को रोकने के लिए ये सब लोग काम कर रहे हैं उसको लेकर के हम लोगों ने इनको सम्मानित किया था।